हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक हो? खुश हो? क्या चल रहा है लाइफ में? अच्छे स्मूथ लाइफ चल रही है? नहीं चल रही है तो भी परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। अच्छा, आज जो मेरा टॉपिक है, जो मैं रेमेडी आपके लिए लेके आई हूँ, वो है ब्राइट स्किन, ग्लोई ब्राइट स्किन। जो ड्राई स्किन हो जाती है उसको खत्म करने के लिए ये रेमेडी मैं आपके लिए लेके आई हूं। ब्राइट स्किन के लिए आपको चाहिए नींद पूरी, पानी अच्छा, पूरा पानी पीना, जो 1 लीटर 1.5 लीटर आप पानी पी सकते हो, 8 गिलास 10 गिलास जितना आपका स्टमक और आपकी बॉडी जो है वो पी सकती है, वो आपने अपना मटका भर के रखना है, ना कि दूसरा मटका। मटके का पानी पियो तो बेस्ट है। सारी चीजें वापस आई जा रही हैं, ऑर्गेनिक चीजें वापस आई जा रही हैं। यहाँ पे लोग तांबे के बर्तन यूज करने लग गए हैं, प्लास्टिक को खत्म किया जा रहा है। ऑर्गेनिक हो जाओ, नेचुरल हो जाओ, पानी पियो, घड़े का या मटके का पानी पियो। मिट्टी के बर्तन यूज कर सकते हो तो वो करो, तांबे के बर्तन यूज कर सकते हो वो करो, नेचुरल चीजें यूज करो, केमिकल फ्री चीजें यूज करो, अपने आप को खुश रखो, दूसरों को भी खुश रखो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और थोड़ी सी अपनी केयर, अपनी केयर बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने अपना ख्याल रखना है। आप बहुत खूबसूरत हैं, पर थोड़ा सा अपना ख्याल रखो, थोड़ा सा पूरे 24 घंटों में अपने लिए, नींद के अलावा, नींद 10 घंटे पूरी करो, नींद के अलावा थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो, उसको सिर्फ अपने लिए वक्फ कर दो। 1 घंटा, 1 घंटा आपने अपनी केयर करनी है। जो कुछ आपने अपने लिए, कोई पैक बनाना है, कोई फेशियल करना है, कोई प्लकिंग करनी है, थ्रेडिंग करनी है, बाल डाई करने हैं, जो करना है आपने 1 घंटा अपने लिए वक्फ कर दो। पूरे दिन में से 24 घंटों में से 23 घंटे आप दे दो सारों को, और 1 घंटा आपने अपने लिए रखना है। उस 1 घंटे में आपने रेमेडीज फॉलो करनी है, कोई भी कर लो, जरूरी नहीं मेरी करो। रेमेडीज जो है फॉलो करने के लिए छोटी ये है कि वो यहाँ पे यूज हुई है। आई डोंट नो बाकी सारे लोग जो कहते हैं कि हम कर रहे थे, हमने किया है, पर मेरी ये एक प्लस पॉइंट ये है कि मैं यहाँ अमेरिका में बैठ के ये सारी चीजें यहाँ पे देसी चीजें लेके बाय करके, पता है यहाँ पे कितना मुश्किल है इन चीजों को ढूंढना, सर्च करना, फिर समटाइम्स ये किसी एक देश से आती हैं, समटाइम किसी देश से आती हैं, और फिर यहाँ पे आके मेरे घर में इकट्ठी हो जाती हैं, और मेरे पास 1-3 कैबिनेट जो है ना भर के रखे हुए इन चीजों के, और मैं जब दिल करता कोई ना कोई चीज बना के बाकी लोगों को भी, सबको मैं बना बना के देती हूँ और उनको यूज करवाती हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बार बार ताकीद करती हूँ कि प्लीज 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 रेमेडीज को यूज करो। परेशानियां भी तो हैं ही ना, ये टेंशनें रखी हैं जो यहाँ पे वो है ही है ना। अगर ये इसका साइड इफेक्ट नहीं है, मैं कौन सा आपको कह रही, कोई बाजार से चीज बाय करके लेके आओ केमिकल वाली हो और उसको मुंह पे लगाओ, बेशक बैड रिजल्ट आ जाए। इन चीजों के आप पे आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर आपकी स्किन पे फर्क पड़ेगा, लेकिन एकदम से आपकी स्किन के ऊपर कोई अटैक नहीं होगा, बैड उसके नुकसानात नहीं होंगे, आपको अच्छे जो है ना बेनिफिट्स मिलेंगे। सही है, चले शुरू करें। अगर आपने चमको बनना है, लश्कारे मारना है और लोंग दे लश्कारे थे, फिर आपके फेस के लश्कारे, तो आप खुद भी देख देख के खुश होंगे और बाकी लोग भी खुश होंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें चाहिए, नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो। हाँ जी, आपको चाहिए बेसन, सही हो गया। मेन जो है इसका, जो है आज का मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड यानी के अलसी के बीज, इनको लेके आपने इनको पीस लेना है और छान के बारीक बारीक जो है ना वो बारीक सफूफ बना लेना है। फिर आपको चाहिए हल्दी, फिर आपको चाहिए सैंडलवुड पाउडर, चार चीजें आपको चाहिए पाउडर्ड में। फिर आपको चाहिए हनी, शहद, रोज वाटर, गुलाब का अर्क, एलोवेरा। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। अब आपने क्या करना है, या तो इनको चारों को इकट्ठे बना लो, इकट्ठे बना के तो छोटी सी डब्बी में डाल के लेबल लगा के फ्रिज में रख लो, नहीं तो बाहर भी सही रहेगा, 1 महीने तक बाहर रह सकता है, 15 दिन तक बाहर रह सकता है, 1 महीने तक फ्रिज में रह सकता है, सही, बल्कि फ्रिज में तो 3 महीने भी सही रहेगा। यहां से थोड़ी सी अमाउंट निकाल लो, ये चीजें ऐड करो, पेस्ट बनाओ और लगाओ।
आपने क्या करना है, ये चाहिए जी आपको एक खाली बाउल, एक चाहिए आपको चम्मच। आपने इसमें डालने हैं दो जो है ना भर के चम्मच फ्लैक्स सीड्स पिसे हुए, एक चम्मच आपने डालना है इसमें बेसन, एक चम्मच आपने डालना है इसमें सैंडलवुड पाउडर, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो यूट्यूब वालों, एक लड़की के हुसन का सिंगार होता है। अच्छा अच्छा हल्दी ने आपका जो है ना जीना जो है ना सफल कर देना। अच्छा ये हल्दी चौथा हिस्सा, लो जी इस पाउडर को आपने इस तरह मिक्स कर लेना, और जो है ना ये पाउडर जो है ना ये सब कुछ ऐसे मिलके तो ऐसे हो जाएगा। अब ये इतना सारा पाउडर है, जाहिर है चार पांच छह दफा के लिए ये यूज हो सकता है। अच्छा ये आपका एक हफ्ता बड़ी हद निकलना है, ज्यादा देर का सोचो ही ना कि जी ज्यादा देर तक मैं स्टोर कर सकूं इसको, ज्यादा दिनों का सोचो ही ना कि भाई ये एक हफ्ता निकलना बड़ी हद आपका। पिदू सी छोटी सी एक बाउल, अब आपने ये जो है यक जान वाला मिक्सचर इसको आपने लेना है एक चम्मच, ठीक है इसमें चारों चीजें हैं। अब जनाब ये अंकल एलोवेरा एलोवेरा बूटा साहब इसका जो है ना आपने एक चम्मच भर के डाल लेना इसमें। फिर जनाब आपने डालना है रोज वाटर, फिर आपने डालना है एक चम्मच शहद, ये देख लो ठीक है, ये हो गया जी सारा कुछ आपके सामने। अब जनाब इसको जो है ना मिक्स, ठीक है। ये जो फ्लैक्स सीड है ना इसने अपना जो असरात छोड़ने ना इसके अंदर, इसको आपने 5 से 7 मिनट तक ना ऐसे ही बना के रख देना थोड़ी देर, उतनी देर मैं आपको बाकी चीजें बताऊं। रोज लगाना है, आधे घंटे तक लगाना है, मुंह को हमेशा हर पैक को लगाने से पहले धोना है, फेस वॉश से मुंह धो, नहीं तो दूध में लेमन डाल के उससे क्लींजिंग करो, उसके बाद इसको लगाओ। सादे पानी से मुंह धोना चाहते हो ओके, सादे पानी से भी मुंह धो सकते हो, क्योंकि बाद में नहीं फेस वॉश लगेगा काफी टाइम तक, इसलिए पहले फेस वॉश से मुंह धो लो, फेस वॉश से मुंह धो उसके बाद इसको लगाओ, लगा के ऐसे लेप पूरे मुंह पे और यहां तक गर्दन तक आपने पूरा लेप कर देना, जो लेफ्ट ओवर है उसको हाथों पे लगाओ, ठीक। लगाने के बाद आपने आधा घंटा वेट करना है, उसके बाद जनाब आपने सादे पानी से मुंह धो लेना जी, ये जाहिर है चिपक जाता है जब आप मुंह पे ऐसे पानी के छींटे मारेंगे, हल्का हल्का ऐसे हल्का हल्का सा रब कर करके उतारना ही पड़ेगा, मैं कैसे बताऊं आपको, वो तो पता ही है आपको कैसे उतारना है, ठीक है। उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर लगाना है, अगर आपकी स्किन ड्राई होती है बोल तो इसके बाद जो है स्किन ड्राई रहेगी नहीं, अगर आपकी स्किन ड्राई है फिर भी तो फिर आप जो है ना थोड़ा सा आलमंड ऑयल थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे रब करके तो मुंह पे लगा लेना, इसके रिजल्ट एक्सीलेंट ए प्लस वाले। ये अलसी जो है लोग खाने में भी यूज करते हैं, इसकी पिनिया भी बनाते हैं पुराने जमाने में लोग, और गांव में तो अभी भी बनाते हैं सर्दियों में, और ये जो है ना यहाँ पे वैसे भी खाए जाते हैं एक चम्मच और उसके बाद नाश्ता, ये वैसे भी इतने कि इसके बेनिफिट्स हैं, ये जाकर सर्च देखो, ये हो गया कितना थीक वाला पेस्ट, ठीक है। ये एक फेस नेक और हाथ जो है ना उनके लिए इनफ है, अगर आपने दो लोगों के लिए बनाना है दो चम्मच डाल दो, उतना उतना इनकी क्वांटिटी ज्यादा कर लो। लड़के लड़कियां दोनों यूज कर सकते हैं, हर एज के लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि अपना ख्याल हर एक ने रखना है, इसलिए अपने साथ मेल जितने भाई वगैरह है या अंकल या हस्बैंड है या जो भी अब्बू वगैरह उनको भी लगा के दो, उनको ताकि नेक्स्ट टाइम आपको चीजें भी ला के दे, वो कह देखा आपकी स्किन कितनी प्यारी हो गई है, उनको भी स्किन को सॉफ्टनेस की जरूरत है, जब वो शेव करते हैं उसके बाद ये ऐसी सॉफ्ट वाली चीजें हो तो उनका फेस भी नरम नरम हो जाए, बेबियों वाले फेस सारों के हो जाए, ठीक है ना, अच्छी बात नहीं है। हाँ दोनों दोनों सारे प्यारे प्यारे हो जाओ, भाई भी प्यारा सा हो जाए,
आपके अगर हस्बैंड है वो प्यारे हो जाएं, अगर अंकल है कोई घर में वो अच्छे हो जाएं। अच्छा, समझ आ गई आपको? कोई भी चीज अगर नहीं समझ आती है तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर मैं मेरी रेमेडीज अच्छी लगती हैं, और बेल आइकॉन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। मेरे कम्युनिटी को चेक करते रहना, इसको मेरी इस वीडियो को अपनी प्लेलिस्ट में रखना और खुश रहना। आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे हैं, आप ये यूज करेंगे तो और प्यारे हो जाएंगे। आपकी स्किन अगर ड्राई है वो ड्राइनेस खत्म हो जाएगी, वो जो ग्लो है वो आ जाएगा वापस, जो कि कहीं चला गया था सैर करने वो वापस आ जाएगा, कहेगा मैंने इधर ही रहना, इधर ही रहना, इधर ही रहना। अच्छा, और हंसते रहना, दूसरों को भी हंसी दो। एक दफा के इस्तेमाल से आपको फर्क नहीं पता लगेगा, एक हफ्ते के बाद परफेक्ट ट्यूबे जल जाने, इधर लाइटें ऐसे चम 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 लाइटें, ट्यूब की जरूरत नहीं पड़नी आपको, सच्ची मजाक के अलावा यकीन करना है मेरा। अच्छा हाँ, आधे घंटे से ज्यादा अगर 40 मिनट लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो। बस चलो फिर ठीक है, फिर है इस रेमेडी को यूज करना और फिर फीडबैक भी देना। बाय शाये, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।